नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में आपका। कोविड के बाद अब एक और वायरस डराने लगा है। इसका नाम है H3N2। ये वायरस है और बताया जा रहा है कि इससे कर्नाटक और हरियाणा में दो लोगों की मौत भी हो गई है। भारत में इस वायरस के मामलों में काफी इजाफा देखा जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं। कुछ कारण हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, डॉक्टर समीर भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। इसके अलावा डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर फिजिशियन। बहुत स्वागत है आपका समीर जी और अनुराग जी। सबसे पहले समीर जी, आपके पास आते हुए, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिससे अब डर रहे हैं लोग, और इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें लक्षण भी नहीं पता और ये फैल रहा है इस बात की भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बताइए पहले तो विस्तार से कि इसके लक्षण किस तरह कोविड के मुकाबले अलग है और कोविड ने भी क्या इफेक्ट डाला है लोगों की इम्यूनिटी पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक तो पैनिक या डरने की तो जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंजा की जब हम बात करते हैं, फ्लू की बात करते हैं, तो ये सीजनल होता है, हमेशा हम सीजन के अंदर अक्सर देखते ही हैं। कोविड के दौरान अगर हम बात करें पिछले 2 सालों के अंदर, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस ज्यादा प्रिवेलेंट था, वो वायरस तो बाकी जो दूसरे वायरसेस थे वो उस तरह से सप्रेस हो गए थे, उतने उभर कर नहीं आ रहे थे। हाँ, इसकी जो इन्फ्लुएंजा की बात करें, ये इन्फ्लुएंजा एक का ही एक तरह का प्रकार है, सब टाइप है, जिसके अंदर एक H1N1 होता है और एक ये H3N2। ज्यादातर जो हम देखते थे कोरोना से पहले भी, मॉनसून के बाद या अक्सर जनवरी के अंदर, हमारे जो H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, उसके केसेस बढ़ जाया करते थे, फ्लू के केसेस बढ़ जाया करते थे। पर इस बार जब हमने देखा, हम ज्यादातर जो भी टेस्टिंग कर रहे थे तो उसमें H1N1 नेगेटिव आ रहा था, लोगों का लक्षण जो उसी तरह के, और कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा था, पर उनमें H3N2 पॉजिटिव आ रहा था जब हम फ्लू पैनल करते थे, तो H3N2 के केसेस निश्चित तौर पर बढ़े थे। लक्षण उसी तरह के होते हैं जैसे हमारे आम तौर पर फ्लू के लक्षण होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोविड वायरस था, कोविड-19 था, वो कोरोना वायरस की वजह से, ये जो आपका H3N2 है ये इन्फ्लुएंजा की वजह से, तो दोनों अलग तरह के वायरस है, दोनों रेस्पिरेटरी वायरस है, लंग संबंधित बीमारी को कॉज करते हैं और दोनों कंटेजियस मतलब संक्रामक है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैल सकते हैं। तो ये सब बातें विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए जो हम बार बार बता भी रहे हैं अवेयरनेस के अंदर, कि इसके अंदर भी वही सावधानियां बरतनी है जो आप कोविड के समय बरत रहे थे। ठीक है, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई समीर जी। डॉक्टर समीर, एक चीज और मैं जो समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि कोविड की जब फर्स्ट वेव आई तो उस दौरान सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों को उसने टारगेट किया और बहुत सारे लोग जो है उसमें जान भी चली गई। सेकेंड वेव में थोड़ा अलग एज के लोगों को इफेक्ट किया, थर्ड वेव में अलग तरह से, हालांकि ये कोविड की वेव नहीं है, ये एक अलग वायरस है, लेकिन क्या कोई टारगेट एज भी है इसके लिए कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट ये करेगी, या जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे अनुराग जी कि जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है, बहुत तरह की बीमारियों ने घेर रखा है, उन पर ज्यादा जल्दी अटैक कर सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जैसे अभी आपने कोविड के बारे में बात किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, तो जो सेकेंड वेव के अंदर था वो जो कोविड वायरस था उसके स्वरूप में बदलाव आया था, वो एक दूसरा वेरिएंट था जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कह रहे थे, और वो ज्यादातर लोगों को लंग्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। उसमें हम देख रहे थे कि कोविड निमोनिया ज्यादा हो रहा था। उसके बाद जो ओमिक्रॉन देखा वो उतना वो माइल्ड रहा, तो वो उसके वायरस के रूप स्वरूप में बदलाव रहा, और जिसकी वजह से उसी तरह से लोगों को उसकी जो इन्फेक्शन के बाद बीमारी रही वो ज्यादा घातक रही। इसमें भी जैसा हम बात करें और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो वायरस है वो कई बार उसके रूप स्वरूप में बदलाव आता रहता है, म्यूटेट करता रहता है थोड़ा। इस बार जैसा अभी बताया H3N2 वायरस भी अगर हम देख रहे हैं ज्यादा प्रिवेलेंट है, तो इसके जो लक्षण है वो भी ज्यादा लंबे समय तक रह रहे हैं लोगों को, जैसे लंबा बुखार भी रह रहा है और खांसी उनको काफी लंबे 3-3 हफ्ते तक नहीं जा रही है, उनकी लक्षणों में बदलाव आया, और इसकी इन्फेक्टिविटी भी थोड़ी बड़ी है, संक्रामकता भी जो हम बात करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो भी थोड़े, तो इस तरह के इसमें कुछ चेंजेस इसमें जरूर नजर आए। रही बात जो रिस्क फैक्टर की, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, इसके अंदर एक तो एल्डरली लोग हैं, जैसा हम बात करते थे कोविड में भी, उनको ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानियां ज्यादा बरतने की जरूरत है। इसके अलावा यंग एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी है जो 5 साल के कम उम्र वाले, उनको ध्यान देने की जरूरत है। हमारी प्रेग्नेंट वीमेन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा
जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड वाले लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है, जो कैंसर वाले पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, ठीक है ट्रांसप्लांट वाले लोग हैं, तो उनको विशेष तौर पे, और जैसा अभी आपने बताया भी था, जो दो मौतें भी हुई थी जी जी कर्नाटक जी और जी हरियाणा की, जो हम बात करें उनमें भी लोगों देखा गया था कि उनमें कोमॉर्बिडिटी थी, कोई ना कोई बीमारी थी, तो ठीक है निश्चित तौर पे उनको सतर्कता बरतने की जरूरत है और अपना बिल्कुल फ्लू शॉट सतर्कता जरूर ले बरतने सकते की हैं। जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हर बार मौसम जब बदलता है तो इस तरह के वायरसेस आते हैं और ये ज्यादा इफेक्टिव आप पर ना हो इसका आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने दी। अनुराग जी आपका भी बहुत शुक्रिया, समीर जी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे आपका भी बहुत शुक्रिया।